हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा सातवीं के लिए है। और इस पुस्तक को किसके द्वारा बनाया गया है? राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया है। किस सत्र के लिए बनाया गया है? सत्र 2022-23। चलिए देखते हैं खंड सा विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम क्या पढ़ेंगे। पाठ चार में क्या दिया है? क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसका सीखने का प्रतिफल क्या है? SS 609। चलिए देखते हैं इसका संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं एक बार। बीते हुए कल क्या हुआ था, इसके लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, किंतु बहुत समय पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? आज से बहुत पहले लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, उनकी जीवन शैली कैसी, किस प्रकार की थी, खेती किस प्रकार से की जाती थी, कल्पना कीजिए, यह कैसे पता करोगे? तो देखिए, अतीत की जानकारी हम जो अतीत की जानकारी उसे हम कई साधनों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्राचीन पुस्तकों, ग्रंथों, पांडुलिपियों से। नंबर दो, शिलालेखों, अभिलेखों, ताड़पत्र, भोजपत्र से। नंबर तीन, विभिन्न भवनों, इमारतों से। नंबर चार, पुराने बर्तनों व औजारों के अवशेषों से। नंबर पाँच, सिक्कों से। और नंबर छः, विदेश यात्रियों के द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांतों से। तो ये अतीत की जानकारी हम कई साधनों से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने 6 साधनों को बताए। अब इसके आगे देखते हैं हम अगला पॉइंट क्या कह रहा है। हम अतीत काल के शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, वैज्ञानिकों आदि के जीवन के बारे में ऊपर दिए गए साधनों के माध्यम से जानकारी पता कर सकते हैं। हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों और चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों और बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न में देखिए क्या दिया है। इसके अभ्यास संबंधी कुछ प्रश्न हैं। तो अभ्यास हेतु वर्कशीट, हमें वर्तमान की घटना की जानकारी किन किन माध्यमों से प्राप्त होती है? अभी वर्तमान की बात चल रही है, तो हमें वर्तमान में जो घटनाओं की जानकारी है वो रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, मोबाइल, समाचार पत्र इत्यादि के माध्यम से हमें वर्तमान घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक एक के यहाँ पे समाप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक दो में देखिए, यहाँ प्राचीन पात्रों व कुछ सिक्कों के चित्र दिए गए हैं, इनके उपयोग के बारे में अनुमान लगाइए व अपने विचार लिखिए। देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये क्या दिख रहा है, प्राचीन पात्र दिख रहा है, कुछ सिक्के हैं और चित्र हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या लिख देंगे, प्राचीन पात्र व सिक्कों का उपयोग प्राचीन काल में लेन देन के लिए किया गया होगा। इनके माध्यम से अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनके माध्यम से अनेक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीन, इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों के उदाहरण पता कर लिखिए। देखिए, इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों के उदाहरण पता कर लिखिए, तो उत्तर में हो जाएगा प्राचीन पुस्तक, उसके ग्रंथों और पांडुलिपियों आदि इतिहास जानने के साहित्य स्रोतों के उदाहरण हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चार, पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती हैं? तो उत्तर हो जाएगा पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर है? अपने बड़े भाई बहनों से पूछकर उत्तर लिखें। पत्थर पर खोदकर लिखी गई बातों को शिलालेख कहते हैं, जबकि तांबा, लकड़ी एवं अन्य धातुओं पर उत्कीर्ण हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर पाँच के साथ पृष्ठ क्रमांक 173 यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या देखेंगे, प्रोजेक्ट कार्य। अतीत के बारे में जानने के लिए स्रोतों के उदाहरण विषय वस्तु में दिए गए हैं। इसी तरह के स्रोतों के आधार पर गांव शहर के बारे में जानकारी पता कर लिखिए। गांव शहर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए साधन नगरी नक्शा से हम पता कर सकते हैं, पुरानी इमारतें, भवनों एवं मंदिरों से, स्कूल दाखिल खारिज से भी, पुरानी बावली या कुआ से, पुराने औजार एवं बर्तनों से, पटवारी एवं राजस्व विभाग से, ये गाँव या शहर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है स्व आकलन।
स्व आकलन में अपने परिवार का कम से कम 5 पीढ़ी का इतिहास पता कर वंश वृक्ष बनाइए। तो आपके जो 5 पीढ़ी का वंश वृक्ष है इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे अपने परदादा हो गए, परदादा से क्या हुए, हमारे दादा हुए, दादा से पापा, पापा से भाई बहन, पापा से भाई बहन, तो 1, 2, 3, 4 पीढ़ी का हो गया। तो परदादा से हमारे दादा के भाई भी हो सकते हैं, दादा के चाचा भी हो सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपने परिवार के कम से कम 5 पीढ़ियों के इतिहास का वंश वृक्ष बना के बताना। ये हमने अपने आधार पर बनाया, अपने आधार पर बना के बता सकते हो। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, आप अपने देश के अतीत की जानकारी किन स्रोतों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर, हमारे देश के अतीत की जानकारी हमें प्राचीन पुस्तकों, ग्रंथों, सिक्कों, इमारतों, भवनों और शिलालेखों एवं अभिलेखों आदि स्रोतों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ये पाठ था यहाँ पे समाप्त होता है। पाठ का नाम क्या था? पाठ 4 था, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यदि यह पाठ आपको समझ आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।